जम्मू कश्मीर में सरकारी बिल्डिंगों पर दो झंडे फहराने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी बिल्डिंगों पर सिर्फ तिरंगा ही फहराया जाएगा। दरअसल पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की इमारतों और आधिकारिक गाड़ियों पर राज्य के झंडे को तिरंगा के साथ ही फहराया जाए। हालांकि दबाव के बाद सरकार ने फैसले से कदम वापस खींच लिए थे। बाद में श्रीनगर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सरकार को दो झंडे लगाने का आदेश दिया था। बता दें कि जस्टिस मसूदी ने अपने फैसले में कहा था, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है और ये स्थायी है। इसे न तो रद्द किया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। गौरतलब है कि सिंगल बेंच के फैसले को पूर्व आईजी पुलिस और जम्मू बीजेपी के नेता फारूक खान ने चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी।